गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशील दुबे है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइंस कॉलेज सेक्टर 6 भिलाई में। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम एमएस एक्सेल के डेटा टाइप को कवर करेंगे। ये बीसीए फर्स्ट ईयर का जो पीसी सॉफ्टवेयर का जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 2 का पार्ट है। तो यहाँ पर हम डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। एमएस एक्सेल के बारे में आपको पता है कि ये एक वर्कशीट को हैंडल करने के लिए बनाया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे डेटा टाइप में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो डेटा टाइप है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट टू कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बहुत जगहों पर यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपकी इसकी बात करूं कि आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाया है और या वेब पेज बनाया है जिसमें से आपने डेटा कलेक्ट किया है दूसरे लोगों से, और डेटा कलेक्ट करते समय आप जो है किसी का नाम कलेक्ट किए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने स्टूडेंट नेम लिया और नेम को आपने एक साथ मर्ज करके कलेक्ट कर लिया, जैसे मोहन कुमार वर्मा या सोहन कुमार वर्मा, मोहित शर्मा, रमेश साहू, रानी कुमारी, इस टाइप से आपने नेम का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है। कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि डेटा कलेक्ट करते समय हम भूल जाते हैं कि हमें डेटा जो है वो अलग अलग फॉर्म पर चाहिए होता है। तो इस तरीके से डेटा कलेक्ट कर लिए होते हैं और काफ़ी सारा डेटा जो है हमारे पास कलेक्ट हो गया होता है। अब हमें, जैसे मान लीजिए कई सारी चीज़ें हमको देखना है, जैसे इनमें से इनका सभी का सरनेम हमको अलग करना है, या फिर इनका जो ये मिडिल नेम है वो हमको अलग करना है। तो इसके लिए पुराना जो एक्सेल था या 2007 का जो वर्ज़न था, इसमें डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देता था। अभी 2013 जो वर्ज़न आया है उसमें इसके बदले फ्लैश फिल ऑप्शन आ गया है, जो कि इसका एडवांस वर्ज़न है। तो देखते हैं टेक्स्ट टू कॉलम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपको करना ये है कि ये पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम को, और सिंपल आप डेटा में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे, डेलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। तो आप यहाँ पर डेलिमिटेड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई स्पेशल सिंबल्स या कुछ नोटिफिकेशन जैसा देना होगा। तो यहाँ पर आप डेलिमिटर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे टैब, सेमीकोलन, कॉमा, स्पेस। तो फिलहाल हम यहाँ पर स्पेस का यूज़ करने वाले हैं। स्पेस का यूज़ करने से क्या होगा, जहाँ भी स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है उससे वो टेक्स्ट को स्प्लिट करके अलग अलग कॉलम में यहाँ पर रख देगा। तो नीचे यहाँ पर आपके पास कुछ सैंपल दिखा रहा है कि प्रीव्यू मोहन कुमार शर्मा जो है वो किस तरीके से कॉलम में डिवाइड हो जाएगा स्पेस के द्वारा। आप यहाँ पर कुछ एडिशनल डेलिमिटर्स भी लगा सकते हैं। मैं इसके बाद नेक्स्ट करूँगा और उसके बाद फिनिश कर दूंगा। तो देखिए आपका जो टेक्स्ट था वो कॉलम में डिवाइड हो गया है स्पेस के अकॉर्डिंग। जहाँ जहाँ स्पेस लगा हुआ था वहाँ पर ये आपको डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? तो ये हमने जो ऑप्शन देखा, इस ऑप्शन का नाम है टेक्स्ट टू कॉलम डेटा टाइप के अंदर है, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आप देख पा रहे हैं डेटा में, रिमूव डुप्लीकेट्स। आप यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट्स ऑप्शन का काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस डेटा को वापस ले आ दिया और मैं यहाँ पर फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं फिर से मोहन कुमार शर्मा दो बार लिख दिया मैंने, और रानी कुमारी को भी दो बार लिख दिया। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ यहाँ पर आपको दिख रही हैं। ऐसे कई बार हमारे साथ होता है कि हम कोई डेटा टाइप करते हैं या कई लोगों ने डबल रिस्पॉन्स कर देते हैं तो उनका डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर आ जाता है। जैसे आप अपना फॉर्म भरते हैं तो आपने दो बार फॉर्म भर दिया तो आपका डुप्लीकेट डेटा या दो बार या तीन बार डेटा यहाँ पर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, इनको रिमूव हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन कौन से वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट हो रही हैं।
क्लियर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रानी का जो डेटा था वो और मोहन कुमार का जो डेटा है वो रिपीट हो रहा है। टोटल यहाँ पर आपके पास 7 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर जो है ये आपका नेम है, तो 2 से लेकर 7 रिकॉर्ड्स हैं। 7 रिकॉर्ड्स में से अगर आप 2 रिकॉर्ड्स रिमूव करेंगे तो 5 रिकॉर्ड आपके बचेंगे। तो आइए देखते हैं कि डेटा टैब में यहाँ पर दिया हुआ रिमूव डुप्लीकेट जो है वो कैसे डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करता है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि इस डेटा को पहले सेलेक्ट कर लीजिए और रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको कुछ डेटा जो है कॉलम के नाम के हिसाब से दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ आपको ये हेडिंग के साथ सेलेक्ट करना है ताकि वो हेडिंग की मैचिंग करा सके। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाले को इसने हेडिंग के रूप में लिया है, और हम यहाँ पर इसको टिक करके बता रहे हैं कि इस कॉलम में जितने भी डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं सेम टू सेम वैल्यूज हैं उनको रिमूव कर दीजिए। अब मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो देखेंगे आप रानी कुमारी और मोहन जो है वो रिपीट हो रहे थे, तो 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं तो पूरी की पूरी वैल्यूज आपकी मैच होंगी तब आप रिमूव कराना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि केवल नाम मैच होने से नहीं बल्कि उनके सारे डेटा को मैच होने से वो रिमूव करेगा। क्लियर है? तो मल्टीपल कॉलम्स के साथ भी आप ये वर्क कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा ऑप्शन था रिमूव डुप्लीकेट, ये आपका डेटा टूल डेटा टैब में मिलेगा और काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तीसरा इसके बगल में ही ऑप्शन देख सकते हैं आप डेटा वैलिडेशन का, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम कभी कभी यहाँ पर डेटा की एंट्री करा रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट नेम और यहाँ पर है हमारा एज, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एज की एंट्री करा रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि जो हमारा एज है वो कभी भी 0 से कम और 100 से ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से कभी कभी हम टाइप करते करते होता ही है कि जब यहाँ पर हम 10 लिख रहे होते हैं या 11 लिख रहे होते हैं तो गलती से इस तरीके से लिखा जाता है जो कि इनवैलिड एज है। गलती से थोड़ा देर तक कीबोर्ड टाइप हो गया, कीबोर्ड का जो की है वो प्रेस हो गया और 11 के जगह 111 जो है वो टाइप हो गया है, तो ये एक प्रकार से गलत एज है। तो हम वैलिडेशन यहाँ पर लगा सकते हैं, एक्सेल में हम वैलिडेशन लगा देंगे कि वो इनवैलिड डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर -5 लिख दिया, ये इनवैलिड एज है। तो इस तरीके से टाइपिंग मिस्टेक को रोकने के लिए डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ताकि गलती से हुई टाइपिंग मिस्टेक को रोका जा सके और इनवैलिड डेटा को रिजेक्ट किया जा सके। तो देखते हैं कि वैलिडेशन का हम यूज़ कैसे करते हैं। वैलिडेशन करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पर वैलिडेशन लगाना है आपको। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है वैलिडेशन के लिए एरिया। अब आप वैलिडेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। डेटा वैलिडेशन में जाने पर आपको 3 सेटिंग्स करनी होती है। पहला है आपका सेटिंग, जिसमें आप बताओगे कि वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या रखना है। तो मुझे यहाँ पर देना है कि मैं यहाँ पर एक डेसिमल वैल्यूज़ देना चाहता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर ABCD या अल्फ़ाबेट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। अगर आप विदाउट एनी वैलिडेशन यहाँ पे करते हैं तो किसी की एज ऐसे और किसी की एज ऐसे वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के डेटा टाइप हैं, इनको एक्सेप्ट ना करें इसलिए वैलिडेशन हम लगा सकते हैं। तो पहला जो वैलिडेशन हमने लगाया है वो है आपका डेसिमल वैल्यू, यानी कि ये डेसिमल वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू लेगा। अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हम लिखते हैं 1 और मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं 100। 1 से कम और 100 से ज़्यादा वैल्यू वैल्यू ये नहीं लेगा, ये सेटिंग में हमने सेट कर दिया है। इसके बाद सेटिंग करने के बाद अगर हम ये एक्सेल शीट किसी को देते हैं और यहाँ पर कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रही होती है तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर एक्सेल वैल्यू एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले करना होता है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। मैं यहाँ पर मैसेज का टाइटल दे देता हूँ। मैंने जानबूझ के इस टाइप से टाइटल दिया है ताकि वो यूज़र डिफाइंड टाइटल है आपको पता चले।
और यहाँ पर मैं लिखा प्लीज एंटर एज बिटवीन 1 to 100। इस टाइप से मैंने मैसेज दे दिया है ताकि यूज़र को पता चले या डेटा एंट्री ऑपरेटर को पता चले कि यहाँ पर जो डेटा अगर नहीं ले रहा है तो उसका कारण ये वैलिडेशन है। इसके बाद एरर अलर्ट, अगर यूज़र इनवैलिड डेटा देता है तो उसे एरर अलर्ट देगा। तो यहाँ पर हम एरर के लिए कुछ एक एरर के ऑप्शंस ले सकते हैं, यानी कि ये उसका इमेज आइकन ले सकते हैं, और टाइटल में मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इनवैलिड एज, ठीक है। उसको एरर भी डिस्प्ले होगा ताकि सामने वाले को पता चले कि यहाँ पर एरर आ रहा है या क्या मैसेज है, ये यूज़र डिफाइंड है, कुछ भी दे सकते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करने के लिए आ रहा हूँ तो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो एक मैसेज आता है जिसमें टाइटल में साइन कॉल लिखा है प्लीज़ एंटर एज बिटवीन 1 to 100। तो मैं 2 यहाँ पर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्लियर है। अब मैं यहाँ पर 100 दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 101 देने पर ये एरर मैसेज देगा इनवैलिड एज और एक्सेप्ट नहीं करेगा डेटा। दूसरा, मैं यहाँ पर अगर इस तरीके की वैल्यू लेता हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और तीसरा, अगर मैं 1 से कम वैल्यू देता हूँ यानी कि नेगेटिव वैल्यू देता हूँ तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरीके से टाइपिंग के वजह से होने वाली गलतियों को रोकने के लिए हमने ये वैलिडेशन ऑप्शन लगाया। वैलिडेशन आपके डेटा टाइप में है और यहाँ पर 3 सेटिंग्स हमको करनी होती है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम वैलिडेशन को क्लियर कर देते हैं। अब ये वैलिडेशन क्लियर हो गया, ये किसी भी प्रकार की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। तो वैलिडेशन ऑप्शन आपने देखा थर्ड वाला। तो आगे देखते हैं एक और ऑप्शन जिसका नाम है हमारे पास डेटा में कंसोलिडेट। इस ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे, ये कंबाइन करता है वैल्यूज को मल्टीपल रेंज पर, यानी कि आपको रेंज के साथ कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है या डिफरेंट शीट्स में रेंज के साथ कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो आप कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपके पास BCA1, BCA2 और BCA3 की 3 अलग अलग शीट बनी हुई है और BCA1 के कुछ परसेंट या मार्क्स मैंने डमी एंट्री की है 10 10 10 जानबूझ के, BCA2 में 20 20 20 और BCA3 में 30 30 और 30। तो इनको मैं वैल्यूज़ को कुछ चेंज भी करा सकता हूँ। नीचे वाली वैल्यू को मैंने 20 कर दिया और यहाँ पर मैंने 20 कर दिया और यहाँ पर भी मैंने 30 रहने दिया। मैंने जानबूझ के एक वैल्यू को चेंज कर दिया है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि नीचे वाली जो वैल्यू है रानी कुमारी की, इसको आपको ध्यान देना है। तो देखिए इस पूरे रेंज को मुझे कैलकुलेट करना है इसके साथ और इसके साथ, तो मैं कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ करूँगा। मुझे तीनों ईयर के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, तीनों का जो टोटल मार्क्स चाहिए यहाँ पर। तो देखिए अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको जहाँ पर आउटपुट चाहिए वाली वर्कशीट ओपन करेंगे और पहले सेल पर हम यहाँ पर सेल पॉइंटर को रख देंगे। यहाँ पर हमें आउटपुट डिस्प्ले होना है या इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमने पहले सेल पर सेल पॉइंटर रखा। अब हम डेटा टैब के कंसोलिडेट ऑप्शन में जाएंगे। कंसोलिडेट ऑप्शन पे जाते ही हमको यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इसको क्लियर कर देते हैं हम। इस तरीके से आपको ब्लैंक डेटा मिलेगा यहाँ पर। सबसे पहले हमको यहाँ पर ये फंक्शन सेलेक्ट करना होगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सम काउंट करना है, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट एटसेट्रा, बहुत सारे ऑप्शन है। मान लीजिए हमें सम करना है तो बाय डिफ़ॉल्ट सम ही सेलेक्टेड होता है। उसके बाद हमें यहाँ से रेंज सेलेक्ट करके ऐड करना स्टार्ट करना होगा। तो पहले मैंने यहाँ पे रखा और फर्स्ट जो रेंज होगी मेरी BCA1, देखिए टाइप करते ही वो शीट का नाम ले लिया और मैंने ये रेंज को सेलेक्ट कर लिया। इस रेंज को मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर। मैंने पहली रेंज ऐड की, दूसरी रेंज सेलेक्ट करने के लिए मैंने BCA2 टाइप किया और सेम रेंज वो बाय डिफ़ॉल्ट सेम रेंज ले लेता है, और तीसरी रेंज के लिए मैंने BCA3 सेलेक्ट किया और सेम रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। तीनों रेंज ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर जैसे ही ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो ये टोटल वाला है इसमें यहाँ पर आपको टोटल मिल गया है, ये 60
प्लस 60 और ये लास्ट वाला 70 आया क्योंकि हमने यहाँ पर 20 लिया था। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे रेंज के साथ कैलकुलेशंस करने के लिए आप कॉन्सोलिडेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए डेटा टाइप का एक नया ऑप्शन देखते हैं जिसका नाम है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा गोल सीक। तो गोल सीक वाले ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। गोल सीक देखने के पहले कुछ छोटे मोटे ऑप्शंस हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमारे पास है ग्रुपिंग, अनग्रुप और सब टोटल। क्लियर है? तो गोल सीक ऑप्शन हम देखते हैं। गोल सीक ऑप्शन जो है इसको रिवर्स इंजीनियरिंग या रिवर्स कैलकुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अभी तक हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, जैसे इन दोनों का मुझे सम करना है तो आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा दिया और मैं पहला नंबर और दूसरा नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला और दूसरा नंबर सेलेक्ट करते ही वो मुझे सम यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया और मैं यहाँ पर ड्रैग करके फॉर्मूला कॉपी कर देता हूँ तो सारे रेंज की सम कैलकुलेट हो गया था। अब हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिया हूँ ताकि आपको बहुत जल्दी क्लियर हो। मैं चाहता हूँ आउटपुट हमें यहाँ पर 100 चाहिए, तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पर जो 34 है उसके बदले कौन सी वैल्यू होगी कि आउटपुट हमारा जो है वो 100 आ जाए। क्लियर है? तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है। अभी तक हमें आउटपुट पता नहीं था, आउटपुट जो है हमारे लिए वो अननोन था और इनपुट जो है हमें मिला हुआ था। इनपुट हम यहाँ पर देते थे और आउटपुट कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब रिवर्स कैलकुलेशन करना है। हमें आउटपुट पता है, आउटपुट हमारा 100 ही आना है, तो इनपुट क्या होगा, ये रिवर्स कैलकुलेशन हो रही है। ऐसा काम अगर आपको करना है तो आप गोल सीक का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे होंगे कि जैसे किसी ने घड़ी इतने परसेंट ब्याज पे खरीदी और उसे इतना परसेंट लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचना होगा। इस टाइप के जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है उसी प्रकार की सॉल्यूशन यहाँ पर गोल सीक से की जा सकती है। तो उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको 100 चाहिए तो इसके जगह पर कौन सी वैल्यू होगी। तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर 40 अगर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। हमें आंसर पता है, बट गोल सीक से इसको ला करके देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आंसर आएगा। क्लियर है? सबसे पहले हमको आंसर को यहाँ जहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है उस सेल पर हमको रखना है। गोल सीक को यूज़ कैसे करते हैं देखिए, हमको यहाँ पर जहाँ पर फॉर्मूला लगा है उस सेल पर रखेंगे और डेटा टाइप के अंदर हमको गोल सीक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हम चले जाएंगे गोल सीक ऑप्शन में, कुछ यहाँ पर आपको ऑप्शंस पूछा जाएगा जैसे टू वैल्यू, यहाँ पर आपको वैल्यू क्या चाहिए। तो अभी फिलहाल 94 है तो आपको आउटपुट में जो चाहिए, आउटपुट हमको पहले से पता है 100। बाई चेंजिंग सेल, किस सेल में चेंजेस चाहिए, यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसका मतलब है कि D2 में 100 वैल्यू चाहिए और इसमें चेंजेस करिए। तो आपको पता है कि 34 के जगह अगर ये 40 हो जाता तो यहाँ 100 हो जाता। देखिए कंप्यूटर या MS Excel आपको कैसे इसका आंसर देगा, जैसे आप ओके करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल रहा है कि अगर यहाँ पर 40 हो जाए तो आपको 100 यहाँ पर मिलेगा। ओके करने के बाद ये उसको चेंजेस कर देगा। तो यहाँ पर आपने गोल सीक में देखा कि रिवर्स कैलकुलेशन हो रही है, हमको आउटपुट पता है और इनपुट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस टाइप की रिवर्स कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो इसके साथ ही आपने गोल सीक ऑप्शन को समझा। आइए डेटा टाइप के एक नए ऑप्शन जैसे ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल के बारे में भी हम जानते हैं कि ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल ऑप्शन जो है वो कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कई इस प्रकार के डेटा जो हैं हम कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये मोहन कुमार का फर्स्ट ईयर का मार्क्स है या यूनिट टेस्ट 1 का मार्क्स है, ये यूनिट टेस्ट 2 का मार्क्स है। और इस तरीके से हम मल्टीपल या डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो कि वैलिड हैं, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए एक्चुअली, मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। इस तरीके से 3 सब्जेक्ट के मार्क्स, इसके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अब हमें सब टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए तीनों ऑप्शन में एक साथ आपको बता देता हूँ, आउटलाइन के अंदर आते हैं। सब टोटल ऑप्शन जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, याद रखना है सब टोटल ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए आपको 2 क्राइटेरिया दिया, एक तो एक न्यूमेरिकल फील्ड होना चाहिए तभी वो टोटलिंग कर पाएगा, दूसरा है कि यहाँ पर डेटा का रिपीटेशन होना है, अदरवाइज सब टोटल का कोई मीनिंग ही नहीं होना है। तो यहाँ पर सब टोटल में हमने फंक्शन लिया है सम
और यहाँ पर मार्क्स को सम करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं ओके करूँगा तो देखेंगे आप यहाँ पर कि मोहन का कुमार का जो टोटल है, मोहन कुमार को 2 नंबर्स मिले थे, उनका टोटल यहाँ कर दिया। और हर रिपीटेड जो एंटिटी होगी उसके बाद उनका टोटल और लास्ट में ग्रैंड टोटल यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पर आप देखिए इनको ग्रुप भी कर देता है, ये ग्रुपिंग ऑप्शन भी है। इनको ऐसा अनग्रुप करके मोहन का टोटल, मोहित का टोटल और ग्रैंड टोटल, और इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का ग्रुपिंग और अनग्रुप ऑप्शन भी है। तो सब टोटल ऑप्शन आप कई बार यूज़ कर पाएंगे जब आपको इस तरीके से कैलकुलेशंस करना होगा। अब हम देखते हैं कि शो और हाइड ऑप्शन है वो भी इसी प्रकार से है। ये आपका देखिए ये हाइड ऑप्शन है, देखिए माइनस और ये प्लस, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें माइनस करने से ये हाइड हो जाएगा और शो करने पर ये डिस्प्ले करेगा। तो शो हाइड ऑप्शन भी आपने देख लिया। ग्रुप एंड अनग्रुप भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर कुछ पुराना डेटा ला कर के देखते हैं कि ग्रुप और अनग्रुप हम कैसे करते हैं। ग्रुप ऑप्शन तभी आपका वर्क करेगा जब आपका डेटा जो है इसमें कोई ना कोई एंटिटी रिपीट हो रही है, उनको ग्रुप कर देता है वो। तो देखते हैं कि इनको कैसे हम ग्रुप कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, ग्रुप करने के बाद रोज़ या कॉलम ऑप्शन आएगा और इस तरीके से हम इनको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना है तो इनको सेलेक्ट करिए और इनको एक ग्रुप बना दीजिए। ये एक ग्रुप बन गया, तो आप इनको ऐसा हाइड और शो कर सकते हैं ग्रुप में, इनकी ग्रुपिंग क्रिएट हो जाती है। इस ग्रुप को हटाना है तो अनग्रुप का ऑप्शन आपके पास है। तो इस तरीके से आपने ग्रुप अनग्रुप का ऑप्शन भी देखा। कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे दूसरे थर्ड पार्टी से आपको डेटा एक्सेल में लाना है, जैसे एक्सेस से डेटा लाना है, वेब से लाना है, टेक्स्ट से लाना है, या अदर किसी सोर्स से कनेक्टिविटी के थ्रू या ODBC के थ्रू ले आना है, तो यहाँ पर आप उसके थ्रू ले आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सेस सेलेक्ट किया तो MS एक्सेस की फ़ाइल में अगर आपके पास कोई डेटा है तो उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डेटा अपना इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक प्रकार का ये इम्पोर्ट करने का ऑप्शन है। इसके बाद आपको दो और एडवांस ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे सॉर्टिंग और फिल्टरिंग, ठीक है। तो सॉर्टिंग आपके पास दो टाइप की होती है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मुझे इसको सॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पर A to Z करता हूँ, पहले से ये सॉर्टेड है। और यहाँ पर Z to A करने से M चूँकि पहली बार आता है, MOHI जो है वो दिख रहा है आपको कि डिसेंडिंग ऑर्डर होने की वजह से ये ऊपर हो गया। तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जमा सकते हैं उसको। आप इस तरीके से काफ़ी अच्छा आसानी से समझ सकते हैं। अगर मैंने इस तरीके से कोई वैल्यू लिख रखी है तो जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और असेंडिंग ऑर्डर में जमा देता हूं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज हो गया, और डिसेंडिंग ऑर्डर करने से विपरीत क्रम में या उल्टे क्रम में जब अरेंज हो जाते हैं। अगर मल्टीपल कॉलम्स आपके पास हैं तो आप सॉर्टिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, और ये एडवांस सॉर्ट ऑप्शन है। आप चाहें तो मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट कर सकते हैं, तो जिनका मार्क्स सबसे कम ज़्यादा होगा उनके अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 10 वाले, फिर 12 वाले और 13 और 20 वाले जो हैं वो इस तरीके से अरेंज हो गए। इनको हम बोलते हैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शन। इसी प्रकार से आप फिल्टर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फिल्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, इसके ऊपर अपने आप में काफ़ी बड़ी वीडियो बनानी होगी, बट शॉर्ट में मैं यहाँ पर बता दूँ कि फ़िल्टर ऑप्शन आप लगाते ही यहाँ पर आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आप फिल्टर कर सकते हैं। फिल्टर कई टाइप के होते हैं, जैसे नंबर फिल्टर्स हैं, इसमें कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको टेक्स्ट फिल्टर मिलेंगे, कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। इसी प्रकार डेट और टाइम के भी फिल्टर होते हैं, फॉर्मेट फिल्टर होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले नंबर फिल्टर देखते हैं। अगर मैं नंबर फिल्टर लगाऊँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ ग्रेटर देन ऑप्शन। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का नंबर ही डिस्प्ले हो जिनका नंबर 12 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 12। तो आप देख रहे हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, नाम डिस्प्ले हो रहा है जिनके मार्क्स जो है 12 से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से फिल्टर ऑप्शन से हम अपने डेटा की छटनी कर सकते हैं, छाट सकते हैं। जो डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है उसको बिना डिलीट किए हम अपने डेटा को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं, ताकि हमारा जो कन्फ्यूजन वाला एरिया है वो ना हो। इस प्रकार से हम फिल्टर को वापस लाना है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल करके पूरी डेटा को देख सकते हैं। एडवांस फिल्टर ऑप्शन भी हमारे पास कई सारे हैं,
उसको भी हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डेटा टैब को आज कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।